एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है झारखंड शिक्षक भर्ती को लेकर। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि झारखंड में शिक्षक बनने को लेकर खास करके TGT, PGT और JTET तीनों के लेकर यहाँ पे स्टूडेंट्स लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वैकेंसी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे लगातार अपडेट आप लोगों को करते रहते हैं। तो एक और लेटेस्ट अपडेट है, झारखंड में हाई स्कूल और प्लस टू शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग को रिपोर्ट सौंपा है, और इसके बाद फिर क्या कुछ होने वाला है और कब तक ये वैकेंसी आने की चांस है, चलिए डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, अपडेट पूरी डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो जो चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि झारखंड और शिक्षा से रिलेटेड हर तरह की तमाम अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो सबसे पहले आप लोग अपडेट करेंगे, यहाँ पे देखिए कि शिक्षा विभाग ने कार्मिक को भेजा प्रस्ताव, रोस्टर तैयार, प्लस टू स्कूलों में नियुक्त होंगे 3119 शिक्षक। देखिए इस वीडियो में बात करेंगे प्लस टू शिक्षक स्कूलों में शिक्षक के साथ साथ हाई स्कूल शिक्षक के बारे में भी। लेकिन यहाँ पे जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें, कुछ दिन पहले आप लोग अपडेट किए थे कि शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति से रिलेटेड जो आरक्षण रोस्टर था वो क्लियर करने के लिए कहा गया था। और यहाँ पे देखिए अपडेट ये आ रही है कि वो सारा जो आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के लिए कहा गया था वो रोस्टर क्लियर करके यहाँ पे शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। अब शिक्षा विभाग ने क्या किया है, इस आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के बाद कार्मिक विभाग को अब प्रस्ताव भेज दिया है। अब करना क्या है, कार्मिक विभाग अब JSSC यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजेंगे, और अधियाचना भेजने के बाद फिर आपको यहाँ पे झारखंड में वैकेंसी देखने को मिलेगा। यानी अभी भी लंबा लग रहा है कि एक महीना या दो तीन महीना अभी लेट हो सकता है। तो ऐसे में अपडेट देखिए यहाँ पे कि राज्य में 4 साल बाद फिर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के 510 प्लस टू विद्यालयों में 3119 शिक्षकों की नियुक्ति होंगी। विभागीय स्तर पर रोस्टर क्लियर कर लिया गया है और प्रस्ताव कार्य विभाग को भेज दिया गया है। तो यहाँ पे जो आप लोग अपडेट किए थे वो अपडेट यहीं पे आ रहा है कि प्लस टू स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति जो कि 3119 पदों पर होंगे आरक्षण रोस्टर क्लियर होने के बाद, और यहाँ पे कार्मिक से रोस्टर क्लियर होने के बाद आयोग को भेज जाएगी अधियाचना। यानी ये जो अधियाचना कार्मिक विभाग जब भेजेंगे तभी यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो झारखंड में लंबे समय से स्टूडेंट्स जो है कैंडिडेट जो है इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो JTET हो चाहे वो आपका हाई स्कूल प्लस टू शिक्षक नियुक्ति। यहाँ पे हम अगर हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के बारे में बात की जाए तो देखिए यहाँ पे कि हाई स्कूलों के लिए भी जिलों को दिया गया है निर्देश। तो हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी जिलों को आरक्षण रोस्टर क्लियर करने के लिए कहा गया है। आधा दर्जन से अधिक जिलों में रोस्टर क्लियर कर लिया गया है, शेष जिलों को भी रोस्टर जल्द क्लियर करने के लिए कहा गया है। देखिए जिस तरह से आप लोग अपडेट किए थे कि प्लस टू शिक्षक नियुक्ति में जो आरक्षण रोस्टर है सभी जिलों को निर्देश दिया गया था, उसी तरह से यहाँ पे हाई स्कूलों में शिक्षकों को लेकर अब हर एक जिलों को यहाँ पे निर्देश दिया गया है। तो बहुत सारे जिलों जो है वो यहाँ पर आरक्षण रोस्टर क्लियर कर दिया है, लेकिन बहुत सारे अभी भी बाकी है। तो ये होने के बाद फिर दोबारा से ये शिक्षा विभाग को सौंपा जाएगा, और फिर शिक्षा विभाग वहाँ से कार्य विभाग को भेजेंगे रोस्टर क्लियर होने के बाद, और फिर उसके बाद झारखंड में वैकेंसी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि विज्ञान के विषय में सबसे अधिक पद, तो शिक्षकों के सबसे अधिक पद जो है वो गणित एवं विज्ञान विषयों में रिक्त है। गणित के साथ साथ भौतिकी और रसायन के शिक्षकों के सबसे अधिक पद रिक्त हैं। राज्य गठन के बाद प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों की पहली नियुक्ति बस 2012 में हुई थी। यानी 2012 के बाद अभी तक वैकेंसी झारखंड में देखने को नहीं मिला है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ झारखंड में वैकेंसी आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कैंडिडेट जो है झारखंड में शिक्षक बनने को चाहत रखते हैं, और 4 साल बाद यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की बात कह रही है। तो या जो अखबार हो या अपडेट हो जो भी हो, लेकिन जल्द से जल्द वैकेंसी आए यही उम्मीद करेंगे, और सरकार जल्द से जल्द वैकेंसी रिलीज करे ताकि स्टूडेंट टीचर बनने की जो ख्वाब रखते हैं वो पूरा हो सके। तो चलिए इसी तरह से आप लोग हर एक अपडेट करते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह की जानकारी प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा।